बॉलीवुड में कई ऐसे फिल्में बनी जो कभी रिलीज नहीं हो पाई। शीतल कोमल निर्मल या चालू चुड़ैल चतुर, या उन्हें किसी कारणवश कैंसिल करना पड़ा। कितने ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और बाद में उसे किसी कारणवश बंद करना पड़ा। अरे पहचाने नहीं काम का। इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 5 कैंसल्ड मूवी इन बॉलीवुड। नंबर 5, तालिस्मान। तालिस्मान एक मिथोलॉजिकल एक्शन मूवी होने वाली थी। इसमें लेजेंडरी अमिताभ बच्चन ने लीड रोल प्ले किया था। यह फिल्म देवकी नंदन खत्री की नोबेल चंद्रकांता पर बेस्ड थी, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे विनोद चोपड़ा, जिन्होंने धमाका, मिर्जा आर्या जैसी वेब सीरीज बनाई। फिल्म में हाई डोज ऑफ CGI और VFX डाले गए थे। इसका ट्रेलर और टीजर दोनों रिलीज भी हो गए थे, बट देयर इज नो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन व्हाई एग्जैक्टली द मूवी वॉज एबैंडन्ड। स्क्रिप्ट अनसेटिस्फैक्ट्री स्टोरी या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस भी बताया जाता है। नंबर 4, टाइम मशीन। टाइम मशीन एक साइंस फिक्शन मूवी होने वाली थी, जिसमें आमिर खान, रवीना टंडन, नसीरुद्दीन शाह और रेखा जैसे बड़े स्टार को कास्ट किया गया था। यह फिल्म टाइम ट्रेवल पर बेस्ड थी, जो हॉलीवुड की हिट फिल्म बैक टू द फ्यूचर से मिलती जुलती थी, जिसमें आमिर खान अमिताभ बच्चन से जाकर मिलते हैं और बताते हैं कि वो एक सुपरस्टार होने वाले हैं। द मूवी फेस्ड द वंट ऑफ द कैंसिलेशन ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम। नंबर 3, चांदनी चौक टू अफ्रीका। निखिल अडवाणी के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म चांदनी चौक टू चाइना को हमने देखा है, जिसके इंड सीन में ही हमने इसके सीक्वल यानी चांदनी चौक टू अफ्रीका का अनाउंसमेंट किया गया था। इस फिल्म में अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण जैसे बड़े स्टार होने वाले थे, जिसे प्रोड्यूस करने वाले थे वार्नर ब्रोस। क्रिएटिव डिफरेंस और फाइनेंशियल इशू के कारण इस फिल्म को भी कैंसिल कर दिया गया। नंबर 2, मुन्ना भाई चले अमेरिका। मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई के बाद इसके थर्ड इंस्टॉलमेंट मुन्ना भाई चले अमेरिका पर काम शुरू किया गया। इस फिल्म का टीजर भी लॉन्च कर दिया गया था, जिसे अप्रिसिएट भी खूब किया गया, बट संजय दत्त अरेस्ट आफ्टर 2010। द फिल्म विल बी मेड सून आफ्टर हिज रिलीज। संजय दत्त के आने के बाद राजकुमार हिरानी ने पीके पर काम शुरू कर दिया। नंबर 1, राजू राजा राम। राजू राजा राम एक क्रिंज कॉमेडी फिल्म होने वाली थी, जिसे डेविड धवन डायरेक्ट कर रहे थे। इस फिल्म में सलमान खान, गोविंदा, जैकी श्रॉफ और मनीषा कोयराला जैसे बड़े स्टार को कास्ट किया गया था, जिसे प्रोड्यूस कर रहे थे जैकी श्रॉफ। डेट्स क्लैश होने के कारण फिल्म को बंद करना पड़ा ड्यू टू अनदर रीजन टू स्टॉप द प्रोजेक्ट ए फाइनेंशियल क्राइसिस। मगर यह फिल्म बनती तो एक बेल क्लासिक कॉमेडी होने वाली थी। तो यह थी 5 ऐसी फिल्में जिसे बंद कर दिया गया। आप हमें कमेंट कर बताओ इनमें से कौन सी फिल्म बननी चाहिए थी, और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।